गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीकू से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं नेक्स्ट जनजातीय विद्रोह लेके आई है। आज मैं विद्रोह जो लेके आई हूँ वो है घटवालों का विद्रोह। तो सबसे पहले जानेंगे घटवाल कौन होते हैं। तो घटवाल एक्चुअली के घाटों के रखवाला होते हैं। तो जैसे पहाड़ियाँ हैं उस पर चढ़ने के लिए जो रास्ता बनाए ताकि घोड़े जाए, जो भी है रास्ता बन जाए एक पहाड़ी से दूसरा पहाड़ी जाने या नीचे उतरने का रास्ता बन जाए, तो वो घटवाल लोग नहीं बनाते थे। वो लोग काफ़ी ईमानदार होते थे और इन्होंने रास्ता बनाया और फिर जो भी यहाँ से आने जाने वाले थे उनसे वो कर भी वसूलते थे, कुछ रुपये वसूलते थे, लेकिन ये थे ईमानदार और मेहनती। एक्चुअली में ये जो घटवाल थे वो रामगढ़ के रैयत थे, रामगढ़ राजा के रैयत। तो रैयत क्या है? तो रैयत एक तरह का सेवक थे जो रामगढ़ राजा के अंदर काम करते थे। तो उन लोग को सेवक के रूप में भूमि दे दिया जाए या कुछ काम दे दिया जाता था, तो वो लोग अपने राजा के प्रति काफ़ी प्रेम था उन लोगों को, और वे थे रैयत और रैयत ही घटवाल। अब देखते घटवाल विद्रोह क्या है और कैसे है। घटवाल विद्रोह जो है 1772 से 1773 ईस्वी में चला। विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था रामगढ़, रामगढ़ में यह विद्रोह हुआ। घटवाल घाटों के रखवाला रैयत, कारण क्या था? अंग्रेज के द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार। एक्चुअली यह हुआ था कि रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह, जनता से वो काफी प्यार करते थे, जनता भी मुकुंद सिंह राजा को काफी प्यार करती थी। तो क्या था कि तीर सिंह जो है राजा बनना चाहते थे और अंग्रेज उसके पूरे सपोर्टिव कि तुम राजा बन जाओ। तो मुकुंद सिंह को हराने के लिए अंग्रेज से तेज सिंह मिल गया, तो अंग्रेज और तेज सिंह दोनों मिलकर के मुकुंद सिंह पे हमला कर दिया और इसके कारण जो है मुकुंद सिंह वहां से भाग गया। तो इन घटवालों को लगने लगा, जो घटवार थे घटवालों को, कि जो मेरे जो राजा है यहाँ से जो भाग गए या जो भी है ये मेरे राजा के साथ अच्छा नहीं किया। अंग्रेजों का यह व्यवहार उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तेज सिंह का भी नहीं अच्छा लगा। तो अंग्रेज के द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार। रामगढ़ के राजा थे मुकुंद सिंह, तेज सिंह राजा बनना चाहता था और अंग्रेज उसके साथ दे रहे थे। तब देखिए ये मैंने बनाया है, देखिए ये मुकुंद सिंह है बीच में, इधर से भी अंग्रेज जाकर के आक्रमण करने लगे और इधर से भी जाकर के आक्रमण करने लगे। जब पता चला कि दोनों साइड से अंग्रेज भी और इधर तेज सिंह दोनों साइड से आक्रमण के लिए आया जा रहा है, तो मुकुंद सिंह वहां से भाग गया, नोटे ग्यारह हो गया। तो अंग्रेज के अधिकारी थे किसने, कौन अंग्रेज अधिकारी थे जिसने धावा बोला था मुकुंद सिंह पे? तो वो थे कैप्टन जैकब केमेक, या कहीं कहीं पे सिर्फ कैप्टन केमेक भी आएगा। और तब मुकुंद सिंह वहां से भाग गया। घटवालों ने विद्रोह करने का तय किया। अब घटवालों को लगने लगा कि नहीं, मेरे राजा के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, हम लोग इसका विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो ये तीन घाटी के लोग, आंध्रा गरवा के घाटी, दुनदुना घाटी, लोरंगा घाटी, ये तीनों घाटी के लोग तैयार हो गए कि नहीं अब हम लोग को विद्रोह करना होगा, अपने राजा को फिर से लाना होगा, अंग्रेज से विद्रोह करने के लिए वो तैयार हो गए। और ठीक रामगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य हजारीबाग के छह चंपा के भी घटवाल लोग भी बोले कि हम भी तुम लोग के साथ है, हम लोग भी विद्रोह करने के लिए तैयार। तब जाकर के मुकुंद सिंह को बोला गया कि आप राजा बनिए और हम लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मुकुंद सिंह है वो काफ़ी भयभीत हो गया, उसके मन में ये हो गया कि हम जीत नहीं पाएंगे, जो भी वो पूरा तरह भयभीत हो गया। वो बोला कि हम राजा नहीं बनेंगे। हजारीबाग के छह चंपा के घटवालों ने मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुकुंद सिंह राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज बोले कि देखो मुकुंद सिंह तो राजा बनेगा नहीं, तो तुमको तो तेज सिंह को ही राजा बनाना होगा। तो घटवालों को भी यही सही लगने लगा कि चलो ठीक है, तेज सिंह को ही राजा बनना है तो वो राजा स्वीकार कर ले। तो विद्रोह के जो तैयारियां थी, जो विद्रोह होना था वो विद्रोह नहीं हुआ। तो ये प्रमुख है इसका, घटवाल विद्रोह को पढ़ाने का यही प्रमुख है कि ये एक ऐसा विद्रोह था कि जहाँ पे विद्रोह की तैयारियां हुई लेकिन विद्रोह नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद परिणाम युद्ध के बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ? बिना कुछ युद्ध का, बिना कुछ विद्रोह का युद्ध
समाप्त हो गया। तो जब समाप्त हुआ तो कैप्टन क्राफ्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, कैप्टन क्राफ्ट रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु और रामगढ़ में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। यही कैप्टन क्राफ्ट को कहा गया कि जो वहां माहौल अशांत हुआ था उसे शांति में करिए परिवर्तित, वहां का सुरक्षा का तय करिए, और तेज सिंह को फिर राजा बना दिया गया। तो ये थे कैप्टन क्राफ्ट, दो हो गया यहाँ अधिकारी, एक थे कैमक और दूसरा था कैप्टन क्राफ्ट। और पहाड़िया विद्रोह के ये समांतर या विद्रोह है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो ये कब है, 1772 से 1782 ईस्वी में। अब इसके देखते महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये हो जाएगा कि घटवाल विद्रोह कब हुआ, कब से कब हुआ, तो वो 1772 से 1773। तो ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया विद्रोह कब हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो गया कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जो कि व्यवस्थित तो हुआ लेकिन विद्रोह के बगैर ही समाप्त हो गया, तो वो घटवाल विद्रोह था। विद्रोह का क्षेत्र रामगढ़, कारण अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार करना, और राम मुकुंद सिंह की बात, कौन राजा बने, तो तेज सिंह बने। किस अंग्रेज ने धावा बोला था, तो अंग्रेज कैमक ने धावा बोला था। फिर उसके बाद घटवालों को विद्रोह करने की और कौन कौन से घटवाल के जगह से आए, तो आंध्र गरवा घाटी, धुंधुना घाटी, लोरंगा घाटी, और हजारीबाग के किन क्षेत्र के घटवालों ने इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, छह और चंपा। फिर उसके बाद मुकुंद सिंह क्या फिर से राजा बना, तो नहीं, वो फिर से राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसने सुरक्षा शांति को बनाए रखने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया, तो कैप्टन क्राफ्ट। और कौन सा प्रमुख क्वेश्चन, कौन सा प्रमुख जो विद्रोह है जो बिना विस्फोट बिना विरोध किए ही समाप्त हो गया, तो वो है घटवाल विद्रोह। और किसके समांतर में है घटवाल विद्रोह, तो पहाड़िया विद्रोह, क्योंकि पहाड़िया विद्रोह भी देखिए 1772 से 1782 तक। चलिए इस तरह ये घटवाल विद्रोह खत्म हो गया। कल मैं के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, वहां मैंने जयनाथ लिखा था, बार बार मैं जगन्नाथ जगन्नाथ बोल दे रही थी, जयनाथ ही होगा, जयनाथ सिंह। ओके, आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू।